अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पत्थर है उसको हम अपने हाथों की छोटी सी उंगली से हिला सकते हैं। वो उसी उंगली से हिलता है और बाकी किसी भी उंगली से नहीं हिलता है। सो देखते हैं, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा पत्थर है सामने हमारे। ये बड़े से चट्टान, इसको हम छोटी उंगली से हिला के देखेंगे। कितना ट्राई उसे तू देख ले वाला तन कुछ जोर लगाना की यही जो लगाना ही रखती बता नहीं ले लेना। सो हम ट्राई कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कोई लग रही नहीं लग रही। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर यहाँ पे है, किस तरह से टिका हुआ है। बोलते तो है हिलती है पर नहीं हिल रही है, कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जय हो। भाई मैं पूरा हिल जा रहा हूँ पर ये नहीं हिल रही है भाई। सो ट्रिप पे हमारे साथ है मोहित और लक्सू मैडम, अपने दीदी अजीजा जी और उनके बच्चे, अपने बड़े दीदी और जीजा जी जा रहे हैं। चलो 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 निकलो निकलो यहाँ से, निकलो चलो जल्दी जल्दी बैठो गाड़ी में। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मौसम काफ़ी सुहाना है। और अपनी दूसरी गाड़ी है ग्रैंड आई10 और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पांडव शिला। पधारने में आपका धन्यवाद। सो हमने इसको हिला के देख लिया पर हिल नहीं है। सभी चलते हैं हमें यहाँ से। पैंठ किलोमीटर आई है। चलो चलो जान दो। ऐसा होता है बेटा अपनी गाड़ी का। बच्चा बाड़ी चलो चलो चल पड़ेगा, बहुत तेज है। मंजरिया मिलाई आपने बैठने के लिए? तड़का भी हथी ला जाना रेंट मित्र जो ठीक रही दूध भरी मैं बोलता हूँ कि दो टाइम दिया मम्मी का है नहीं का।
गाय पाल ले मोहित एक, गाय पाल ले तू एक, ज्यादा टाइम दूध पिएगा तू। क्या बातें हो रही है? यहाँ पे हम सभी ऑफ रोडिंग का मजा ले रहे हैं। अभी हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं। 4 से 5 किलोमीटर लगभग कुछ रास्ता बचा है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी ट्री देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो आप देख सकते हैं रोड की हालत, लटके झटके काफ़ी लग रहे हैं यहाँ पे। आने वाली यूट्यूब रे हुई है। मंदिर बचा यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर। और लिखा है वहाँ पे 3 लिखा है कि 2 लिखा है, वो पता नहीं लगता आपको। 3 किलोमीटर। हाँ तो कितने केले होगी फिर? 2 दर्जन। ऊबर टूरिस्ट आ रहे हैं सर। जिस तरह पैदल है ना? सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। मोटा ही मजा आया ना अभी देखने का। था क्या दसी तुसो एड्डी काम गड्डिया खड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गाड़ी हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अतरिशु मैडम ठीक हो चुकी है उल्टिया उल्टिया करके। हमारे मोहित गुलेरिया जी, मैं तो पहले से ही ठीक हूँ। सो व्हाट द व्यू, इतना अगर आप यहाँ पे आओगे इतना अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, यानी कि जो नज़ारा हम वीडियो में कैप्चर नहीं कर पा रहे उससे भी काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं टॉप पे है मंदिर, हो रही सामने सीढ़ियाँ। सो काफ़ी अच्छा व्यू है, धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिकारी माता के मंदिर में, पहुँचने ही वाला है। सो हालत होगी थोड़ी ख़राब, बाल वगैरह सेट नहीं हुए हैं, इधर उधर बिखर गए हैं। सो आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा कितना सही लग रहा है। काफ़ी धूप है, गाड़ी से निकालते हैं कुछ सामान और चलते हैं मंदिर की तरफ। वो
नहीं खाओ तुसे खाओ ना, खाना 3 बजे लंच, वो कुछ नहीं है।